आप लोग आशा करते अच्छे होंगे और हम लोग एक तरह स्माइल कर रहे होंगे। तो आज हम बताने वाले हैं आपको बेबी गाउन की स्टिचिंग। तो चलिए हम पहले आपको मेजरमेंट दिखा दे रहे हैं किस तरीके से करना है। पहले तो हम ये बता दे रहे हैं आपको किस तरीके से करनी है। सबसे पहले ये रही, ये रही चोली जो ऊपर की गाउन की होगी। ये बिल्कुल डब्बे की तरह सिलना है इसको, यहाँ से थोड़ा पलट के सिलना है इस तरीके से और यहाँ से लॉक करना है। और उसके बाद ये जो कपड़ा है ये यहाँ पर सेट होगा, यहाँ पर चिन पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसे तैयार करेंगे, उसके बाद आगे का मेजरमेंट आपको दिखाएंगे। चोली तैयार करने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए यहाँ से हमारी जो फिटिंग आएगी, ये फिटिंग वाले निशान लगे हैं, तो इस तरफ नीचे रख लेंगे या उस तरफ कोई दिख, हम यहाँ से एक पार्ट को उठाएंगे और इस तरीके से रखकर आधा इंची के करीब यहाँ पर हम सिलाई डाल देंगे। इसी तरीके से जो बैक पार्ट है उसे भी हम तैयार कर लेते हैं। हमने दोनों पार्ट में सिलाई डाल रखी है और देखिए ये वाला हमें सीधा रखना और ये इसी पर उल्टा रखना है। अब जो हमने फिटिंग के जो निशान लगाए थे कटिंग के वक्त, उसी निशान पे हमें यहाँ से सिलाई डाल देनी है। हमने फिटिंग की सिलाई डाल रखी है, देखिए इस तरीके से आएगी। इस तरफ अभी हमें फिटिंग की सिलाई नहीं लगानी है। अब इसके बाद हमें इसमें तनी फिट करनी है, तो तनी के लिए हमने लिया है 9 इंची और इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, मतलब नाड़े की तरह हमें बनाना है। अब हमें चोली में ये तनी फिट करनी है इस तरीके से, तो हम पहले इसका मेजरमेंट निकालेंगे, सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर निकाल लिया है, उसके बाद यहाँ पर हमें फिट करनी है, वहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पर फिट करनी है और इसे यहीं से पलट कर इस तरफ खाप लेंगे और यहाँ पर हमें दूसरी फिट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए ये सीधा है और इधर उल्टा है, इस तरीके से हमें रखना है यहाँ पर, इसी निशान के हिसाब से रखना है यहाँ पर और सिलाई डाल। इस तरफ हमने जोर रखी है और इसी तरीके से यहाँ पर हम इसी की सीध में रखनी है यहाँ पर और यहाँ पर हमें सिलाई डाल देनी है। यहाँ पर भी सिलाई डाल देते हैं हम। देखिए हमने यहाँ पर दोनों तरफ ये तनी फिट कर रखी हैं और इसी तरीके से हम यहाँ पर भी तनी फिट कर देते हैं। ये जो कपड़ा है इसकी बनेगी फ्रिल जो यहाँ पर लगेगी, मतलब घेरा बनेगा चोली का। तो सबसे पहले हमें इसमें थोड़ा काम करना है, इसे हमने दो पार्ट में कर रखा है और यहाँ पर हमें इसका निकालेंगे सेंटर। तो यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं, एक पार्ट ये इधर का जॉइंटी रहेगा लेकिन बोलेंगे नहीं, एक इधर आगे का रहेगा पार्ट, एक पीछे का, इसी में हमें बनानी है फ्रिल। तो चलिए हम इसमें फ्रिल बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पर फिटिंग लगाई थी उसे इस तरीके से यहाँ पर रखना है और इसी सिलाई पर हमें यहाँ पर निशान लगा लेना है। यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है, दोनों तरफ निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हमारी जो सिलाई आएगी फिटिंग वाली, उसके बाद इसे खोलना है इस तरीके से, यहाँ रखना है। ये जो घेरा है उसके एक पार्ट को हमें देखिए यहाँ पर निशान आ गया है, मतलब यहाँ तक हमें इतने में ही चुन बनानी है। तो चलिए हम यहाँ पर चुन बनाते हैं। यहाँ पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर रखना है क्योंकि यहाँ पर हम फिटिंग डालेंगे तो फिर ये भी कपड़ा यहाँ पर सिलाई में आना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लेते हैं और यहाँ से हम चुन डालना स्टार्ट करेंगे। तो एक उस साइड चुन बनानी है इस तरीके से और एक इस साइड, देखिए
करीब दिखा, इस तरीके से एक उस साइड एक इस साइड, फिर बनानी है तो एक उस साइड और एक इस साइड। पहले हम पूरी सिल लें उसके बाद प्रेस लगाएंगे। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर एक सिलाई डालनी है। सिलाई डालनी है तो हम इसी तरीके से सिलाई डाल देते हैं। इसी तरीके से हमें पूरे में सिलाई डाल लेनी है। यहाँ पर हमने पूरे में सिलाई डाल रखी है। अब क्या करना हमें, इसे इस तरीके से पकड़ना है और यहाँ से फिटिंग डालते हुए यहाँ पर हमें सिलाई डाल देनी है। ये जो कपड़ा है इसे हमें पहले इस तरीके से डबल में फोल्ड करना है और यहाँ से सिलाई डालनी है। हम यहाँ पर सिलाई डाल देंगे पहले। यहाँ से हम पूरे में इस तरीके से ही यहाँ पर पूरे हम सिलाई डाल देते हैं पहले। सिलाई के बाद अब इसे हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो सिलाई वाला है पोर्शन इसको बीच में करना है इस तरीके से और इस पर प्रेस डालनी है। तो चलिए पहले प्रेस डाल लेते हैं। इस पर हमने अच्छे से प्रेस लगा रखी है और यहाँ पर देखिए इसे हमने जो जॉइंट था इसे बीच में सेट कर रखा है। इसी तरीके से आपको सेट करना है। उसके बाद हमें एक काम और करना है, इसमें यहाँ पर देखिए एक ऊपर एक रखा और एक पार्ट को उठाना है और नीचे के एक पार्ट को छोड़ना, बीच के दो पार्ट पकड़ने हैं और इनमें हमें सिलाई डालनी है। हमें इसी तरीके से पकड़ कर और गोल गोल घुमा घुमा कर हमें सिलाई डाल लेनी है। इसे और सीधा करना है। देखिए इतनी जगह में सिलाई पड़ गई और सीधा भी हो गया। और ये जो बचा है इसे भी हम इसी तरीके से लॉक कर देंगे।
तरीके से हमने इसे लॉक कर दिया है। ये जो सिला हुआ है ये पीछे की साइड रखेंगे, इस तरीके से हमें यहाँ पर फिट करना है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे, तो यहाँ पर हमें सेंटर पर मार्क करना है इस तरीके से। हम यहाँ पर सेंटर निकाल लिया, उसके बाद यहाँ पर हम सेंटर निकालेंगे। यहाँ पर हमने सेंटर निकाल लिया, अब यहाँ पर हमें सेंटर पर रखना है और ये एक पार्ट को हटाना है और इसे यहाँ से निकाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ यहाँ पर थोड़ा कपड़ा इस तरीके से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ हम सिलाई डालेंगे थोड़ी जगह में। ये जो प्रेस वाला था ये हमने छोड़ रखा है, हम यहाँ पर थोड़ा अंदर की साइड से हम लेकर कपड़ा सिलाई डाल रहे हैं। देखिए हमने यहाँ सिलाई डाल रखी, अब ये इस तरीके से आएगा, ये इस तरीके से। जो बैक साइड है वहाँ पर भी हमें से थोड़ा कपड़ा एक्स्ट्रा जो अंदर से लेकर उसी तरीके से आगे डाली सिलाई उसी तरीके से हम पीछे भी सिलाई डाल देंगे। यहाँ पर भी हमने ये प्रेस वाला छोड़कर और थोड़ा अंदर से कपड़ा लेकर सिलाई डाल रखी है। यहाँ पर पड़ गई सिलाई, उसके बाद देखिए इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सुई धागा लेना है। ये जो हमने लिया है ये है फैंसी बटन जो हम यहाँ पर टांगेंगे और ये आसानी से मार्केट में मिल जाता है। इस तरीके से हमें यहाँ पर चुन बना लेनी है और यहाँ पर हमें एक पार्ट में सिल लेना है इस तरीके से। फिट कर लेना है और देखिए ये रही हमारा इसका रहा, ये रहा फाइनल लुक। कैसी लग रही है, मेरे तो बनेगी भी नहीं अभी, बिट्टी है नहीं, बिट्टी अगर होती तो पहन के भी दिखा देते। और बिट्टी का ये नानी है, जब वो आएगी तो हम जरूर आपको वो पहनेगी तो हम दिखाएंगे जरूर वीडियो में। कैसी लग रही है पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर, बहुत सुंदर लग रही है।